हेलो स्टूडेंट्स तो हम पाठ पढ़ रहे थे आश्रम के अतिथि और संस्मरण तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो श्री हरि श्री नरहरी की पत्नी जो थी पार, श्री नरहरी पारिक की पत्नी जो थी उन्होंने कद्दू के ऊपर गीत लिख डाला था और गांधी जी जो थे उन्होंने एक नियम बना रखा था अपने आश्रम में कि जो सब्ज़ी उगेगी वही बनेगी तो उन दिनों क्या सबसे ज़्यादा उगता था कद्दू और गांधी जी कद्दू को भी कहते थे बस बड़े बड़े टुकड़े काटकर उसको उबाल दो नमक भी जिसने डालना है वो डाल लेगा तो ऐसा कद्दू किस खाने की इच्छा नहीं होती थी वहाँ पे रहती हुई बहनों को यानी कि जो भी लेडीज़ डिपार्टमेंट था उन्हें अच्छा नहीं लगता था तो वो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि गांधी जी से कुछ कहें तो इसलिए वो मणि बहन जो थी उन्होंने उस पर गीत ही लिख डाला तो कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी गांधी जी की उन्होंने गांधी जी से कहा कि देखिए कद्दू के ऊपर तो गीत भी तैयार हो गया है ना और किसी बहन को बादी हो रही है किसी को डकार आ रहे हैं किसी को कुछ हो रहा है है ना किसी को चक्कर आते हैं तो गांधी जी ने फिर इजाज़त दे दी कि चलो ठीक है पहले नाम लिखवा दो जो जो तो ना नाम किसी ने नहीं लिखाया उन्होंने कहा हम खुद सोच लेंगी वो भी कस्तूरबा जी ने कह दिया तो गांधी जी ने कहा ठीक है मान ली गई तुम्हारी बात बघार लगा कर खा लो जैसे भी खाना है पर बच्चों को नहीं देना तो इस पर क्या बोली थी कस्तूरबा जी अच्छा तो इस तरह बच्चों को बहका कर आप क्या करना चाहते हैं अपनी तरफ अपने तरफ कर लेना चाहते हैं अपने पक्ष में कर लेते हैं तो इसके बाद से जब ये शिकायत होगी जब ये बात कह दी उन्होंने इसके बाद से बहनों ने अपने नाम लिखा दिए और गांधी जी से मसाला खाने की इजाज़त पा ली देखो नाम लिखा दिए अच्छा किस किस की इच्छा है इस तरह से खाने की तो फिर मसाला खाने की इजाज़त पा ली कि चलो इसमें तड़का भी लगाओ मसाला भी डालो है ना मगर गांधी जी किसी को आराम से मसाला खाने देने वाले थोड़े ही थे अब जब वहाँ आश्रम में खाना खाने बैठते थे बहने गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी तो सामने जैसे पुरुष बैठ गए और उसके सामने जो पंगत लगी होती थी तो वहाँ लेडीज़ बैठी होती थी बहनें बैठी होती थी तो बहने गांधी जी के सामने वाली पंक्ति में ही खाने बैठती थी तो गांधी जी उनको ताना मारते हुए कहते थे बड़े छेड़ छेड़ कर उनको कहते थे क्यों बघार कैसा लगा बघार होता है तड़का बघार कैसा लगा लगा है सब्जी चटपटी बनी है ना तो बड़े उनको छेड़ रहे हैं तो बा भी कम नहीं थी यानी उन्हीं की पत्नी तो वो वे गांधी जी से कहती अब रहने भी दीजिए आप क्या कुछ कम थे हर रविवार को मुझसे पूरन पोली और पकौड़ियाँ बनवाकर पहले चट कर जाने वाले आप ही थे या कोई और पूरन पोली महाराष्ट्र का एक स्वादिष्ट व्यंजन होता है मीठा व्यंजन रहता है और पकौड़ियाँ भी तल पकवान खुद तो खाते थे और अब कहते हैं उबला हुआ खाना खाओ है ना तो गांधी जी कहते तू तो मेरी सारी पोल खोल देगी तो इस तरह से गांधी जी आश्रम में आने वाले हर छोटे बड़े व्यक्ति का खुद ख्याल रखते कस्तूरबा और दूसरे आश्रम के भाई बहनों को स्वयं सेवाओं से उदाहरण देते जाते खुद सेवाओं से उदाहरण देते ठीक है वे खुद करते फिर कहते ऐसा नहीं था कि उन्होंने कह दिया स्वयं भी वो करते थे स्वयं वो करते थे तब कहते थे गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे कर्मयोगी थे उपदेशक यानी केवल भाषण ही नहीं देते थे वो उपदेश ही नहीं देते थे कि दूसरों को दे दिया और खुद के लिए कुछ नहीं वो कर्मयोगी भी थे आजकल जैसे देखते हैं जितने कई सारे संत महात्मा ऐसे जो दूसरों को उपदेश देते हैं अपने जितनी जनता बैठी होती तो उनको तो उपदेश दे देते हैं कि मोह माया से दूर रहो है ना खूब दान करो ऐसे करो वैसे करो लेकिन खुद तो माया से कोई दूर नहीं होता है है ना क्या चाहिए जीवन जीने के लिए बस शरीर ढकने के लिए दो कपड़े हैं और क्या है चटाई बिछा कर सो जाओ यही जीवन है आत्मा को शुद्ध करो और ख़ुद की आत्मा अशुद्ध है हैं तो वो वो क्या है वो उपदेशक हैं वो कर्मयोगी नहीं हैं लेकिन गांधी जी उपदेशक नहीं थे कर्मयोगी थे करके दिखाते थे स्वयं पर भी वो ऐसे करते थे अब वो क्या करते सन महात्मा खुद तो बी गाड़ियों में घूमेंगे बड़े बड़े होटल चाहिए रहने को बड़ा बड़ा इंतज़ाम चाहिए हैं और सारी बैठी जनता को बोलेंगे कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में बताओ तो वो उपदेशक हुए कर्मयोगी नहीं हुए बिल्कुल भी नहीं हुए ठीक है तो इसके जो लेखक हैं डॉक्टर प्रभाकर माचवे हैं जिन्होंने ये गांधी जी के बारे में लिखा है अब पाठ में से प्रश्न उत्तर हैं तो इसको थोड़ा सा आप भी पढ़ के रखें कोई मुश्किल नहीं है ठीक है तो आपसे गलती ना हो तो इसको थोड़ा सा कल हम डिस्कस कर लेंगे है ना बाकी प्रश्न पाँच देख लेते हैं रिक्त स्थान भरिए तो देखिए ये कहाँ से भरने हैं किताब में से देखकर ही भरने हैं जो पंक्ति आपने पढ़ी है वो लिखने गांधी जी की कुटी में डैश की बैठक होने वाली थी अब कौन सी बैठक होने वाली थी ध्यान रखिए सबसे पहली लाइन में था सबसे पहली पंक्ति में सबसे पहली पंक्ति में था किसकी बैठक होने वाली थी ठीक है तो आप अभी स्वयं ढूंढेंगे मैं अभी नहीं बताऊंगी देखो मिट्टी का सकोरा एक डैश का था किस चीज़ का था प्लास्टिक का था है मिट्टी का सकोरा एक डैश का था किस चीज़ का ठीक है तो अपने आप अपने भी ढूंढना वो पंक्ति पूरी लिखी हुई है गांधी जी से डैश खो गया था क्या खो गया था उन्होंने बोला था ना ये लेकर आओ तो उन्होंने कहा अगर मेरे से ये खो गया तो फिर देश खोने में कोई देर नहीं लगेगी कस्तूरबा को डैश रुपए उपहार में मिले थे कितने रुपए उपहार में मिले थे देखिए है ना तो ये आपने बिल्कुल पंक्तियों में वहाँ लिखा हुआ है उसको आप देखकर इसको भरेंगे इतना सा काम आप ये स्वयं करेंगे और उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए तो कद्दू के विषय पर गीत किसने लिखा था देखो अभी अभी हमने इसके बारे में कहा था कस्तूरबा ने नरहरी भाई ने मणि बहन ने या छगन लाल जोशी ने तो ये मणि बहन ने लिखा था मणि बहन किसकी पत्नी थी नरहरी भाई की पत्नी ठीक है तो मणि बहन ने गांधी जी ने कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा था मेज कहा था कटोरा कहा था कुर्सी कहा या तिपाई कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा था मेज कटोरा कुर्सी या पाही देखिए पहले ही सबसे पहले वाले उसमें ही था कि कृष्णचंद से उन्होंने क्या कहा था लाने के लिए देखिए पहले उसका भी उत्तर आपको मिल गया रेगिस्थान का भी हिंदुस्तानी प्रचार सभा की बैठक होने वाली थी ठीक है तो कौन सा था देखिए कृष्णचंद से क्या लाने को कहा था हाँ यहाँ पे होगा हाँ, बताओ मनोहर दीवान से तो क्या कहा था दौरे कहाँ रखे ये पूछा था कृष्णचंद से क्या कहा था कृष्णचंद से क्या कहा था ढूंढना चाहिए ना ठीक है कृष्णचंद से क्या कहा था बड़े का सामान आओ क्या कहा था हम ये आपने ढूंढना है ठीक है ये भी आप स्वयं करेंगे कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी ठीक है मेज कटोरा कुर्सी या तिपाई इन चारों में से क्या कहा था तिपाई कहा था या कुर्सी कहा था या कटोरा कहा था गांधी जी का लेख पढ़कर किसे बुरा लगा था सरोजनी नायडू कृष्णचंद कस्तूरबा या नरहरी भाई को तो किसको लगा था बुरा सरोजनी नायडू को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को किस पर बैठने की आदत नहीं थी कुर्सी पर जमीन पर चारपाई या चटाई पर तो ये था जमीन पर बैठने की आदत नहीं थी तो बातचीत के लिए देखिए अभी अभी हमने पहला ही क्वेश्चन जो सबसे लास्ट बनती थी हमने अभी अभी हमने इस बारे में डिस्कस किया कि गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे कर्मयोगी थे चर्चा कीजिए तो बिल्कुल गांधी जी अभी मैंने उदाहरण आपको दिया अन्य संत महात्माओं का भी उदाहरण दिया कि गांधी जी खुद करके दिखाते थे ऐसा नहीं कि उन्होंने सबको कहा कि कद्दू की सब्जी ऐसे खा लो हम उदाहरण दे रहे हैं किन किन बातों से ठीक है तो वो खुद भी वैसे ही तो खाते थे अगर वो खुद देखो उन्होंने कहा था स्वदेशी चीज़ें अपनाओ तो खुद भी वो स्वदेशी चीज़ें अपना अपनाने अपनाते थे ना तो उन्होंने सिला हुआ कपड़ा भी पहनना छोड़ दिया था उन्होंने सिला हुआ कपड़ा भी पहनना छोड़ दिया था तो गांधी जी केवल उपदेशक नहीं थे कर्मयोगी थे यानी करके दिखाने वाले थे स्वयं भी करते थे हाँ एक उदाहरण इसमें देखो और था कैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा और अपने भतीजे छगन लाल है ना छगन लाल को भी क्या कहा था उन्होंने दोनों की उन्होंने आलोचना की थी और सार्वजनिक रूप से की थी ठीक है उन्होंने सार्वजनिक रूप से आलोचना की थी और उस समय फिर सरोजनी नायडू को गुस्सा आ गया था कि अपनी पत्नी के बारे में भी तुम ऐसा लिखते हो है ना तो उनको बुरा लगा था उस समय तो उन्होंने खूब गांधी जी को बोला था तो भी गांधी जी ने जवाब दिया कि नहीं आप इस तरह ना कहें इस तरह क्या होगा भ्रष्टाचार फैलेगा क्या होगा भ्रष्टाचार फैलेगा तो चलिए इतना आप कीजिए अभी चलिए भ्रष्टाचार हमारे जीवन को किस प्रकार नष्ट करता है तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत कीजिए तो भ्रष्टाचार तो हमारे जीवन को कई प्रकार से नष्ट करता है देखिए भ्रष्ट आचरण चाहे वो कोई भी हो अब उसमें चाहे चोरी ले लो चाहे उसमें आप भ्रष्टाचारी या किसी से आप घूस ले रहे हैं है ना तो किसी से पैसे मांग रहे हैं किसी काम को करने के लिए तो ये भी भ्रष्टाचार है ठीक है पर लोग क्या करते हैं कई बार बचने के लिए बस थोड़े पैसे दे दो जल्दी काम हो जाएगा तो ये भी गलत बात हो जाती है है ना तो इसलिए ये ध्यान रखें कि भ्रष्ट आचरण बिल्कुल भी ठीक नहीं है तर्क सम्मत विचार प्रस्तुत कीजिए तो जैसे उन्होंने कहा था गांधी जी ने भ्रष्ट आचरण उनको छगनलाल यानी अपने भतीजे का और अपनी पत्नी का लगा तो उन्होंने रात को बैठकर लेख लिखा और आलोचना की थी दोनों की थी। ठीक है ना उन्होंने भतीजे को छोड़ा ना उन्होंने पत्नी को छोड़ा प्रेम या अहिंसा में ही भगवान हैं इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए देखिए प्रेम और अहिंसा के पुजारी तो थे ही गांधी जी ठीक है तो गांधी जी ने उस जो व्यक्ति आया था उनसे मिलने के लिए आश्रम में तो उसने कहा था मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं है है ना और और वैसे मैं सेवा करता हूँ लोगों की तो गांधी जी ने यही समझाने का प्रयत्न किया था देखिए हर व्यक्ति में ईश्वर वास करता है और अगर तुम हर व्यक्ति से प्रेम करते हो उसकी सहायता करते हो आपके अंदर सेवा भाव है दूसरों के लिए तो ये ईश्वर को प्राप्त करना ही तो है और क्या है ठीक है तो इस कथन के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए प्रेम और अहिंसा में भगवान है बिल्कुल है है ना आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं आप मारपीट नहीं करते हैं तो ये क्या हो गया ये अहिंसा है हिंसा क्या होती है मारपीट करना लड़ाई झगड़ा करना है ना तो ये हिंसा होती है तो प्रेम और अहिंसा में भगवान है बिल्कुल है ठीक है देखिए गांधी जी ने कृष्णचंद से क्या लाने के लिए कहा था तो ये मैंने उस समय आपको क्या कहा था उन्होंने वैसे बढ़ई के सब औजार लाने के लिए कहा था ठीक है कृष्णचंद से तो यहाँ देखो मेज़ कटोरा कुर्सी और तिपाही लिखा हुआ है तो वैसे उन्होंने बढ़ई के औज़ार लाने के लिए कहा था ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ लग रहे हैं फिर भी एक बार हम इसको देख लेंगे कि गांधी जी ने कृष्णचंद से बढ़ई के औज़ार लाने के लिए कहा था ठीक है तो चलिए फिर हम आगे पढ़ेंगे कल पर उससे पहले आप भी प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के ज़रूर रखिए ठीक है क्योंकि अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं ऐसा नहीं है कि जो मैं प्रश्न उत्तर बोल रही हूँ वही आप लिखेंगे उत्तर ठीक है प्रश्न उत्तर तो करने हैं कॉपी में करने हैं लेकिन आप ढूंढिए और ये रिक्त स्थान और इनको उचित जगह सही का निशान लगाएंगे आप ते? फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ चिल्ड्रन बाय एंड थैंक यू